आज मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपना सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP में अपनी रकम निवेश कर सकती हैं। आपको मैंने पिछले वीडियो में म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया था और आपको याद होगा कि मैंने SIP का भी जिक्र किया था। SIP एक ऐसा प्लान होता है जिसमें आप हर महीने एक रकम डालती हैं। ये रकम 1,000 रुपए भी हो सकती है या उससे ज्यादा भी। इस प्लान में ये रकम कैसे इन्वेस्ट करनी है, जैसे हर महीने में या 3 महीने में या 1 साल में एक बार जमा करना चाहती हैं, ये फैसला आपको करना होगा। लेकिन ये याद रखना होगा कि ये रकम एक निश्चित तारीख पर आपको जमा करनी है। SIP के जरिए आप एक बड़े अमाउंट को जनरेट कर रही हैं, वहीं अच्छे रिटर्न भी पा सकती हैं। अब आपके मन में कई सवाल आ रहे होंगे, मसलन ये आप जो रकम दे रही हैं वो कहाँ लगाई जाएंगी, उसका रिटर्न कितना मिलेगा। तो आपके सभी सवालों का एक एक करके मैं जवाब देती हूँ। आप SIP में जो रकम देना तय करेंगी वो फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड में डालेगा और जो तारीख लिखी होगी उस पर वो पैसा आपकी अकाउंट से निकल जाएगा। अब आपको गणित करके बताते हैं कि ये रकम कैसे बढ़ेगी। जैसे आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तो आपको जमा किए गए पैसे में इस फंड की यूनिट्स दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए और उसकी एक यूनिट की नेट एसेट वैल्यू या NAV 20 रुपए है, तो आपको 1,000 रुपए में उस म्यूचुअल फंड की 50 यूनिट मिलेगी। अब जैसे जैसे इस यूनिट की NAV बढ़ेगी वैसे ही आपका रिटर्न भी बढ़ेगा। कैसे और कितना बढ़ेगा आप जरा इसका गणित भी समझ लीजिए। अगर NAV 35 रुपए हो जाती है तो आपकी रकम हो जाएगी 1,750 रुपए। ऐसे में जैसे जैसे NAV बढ़ती जाएगी आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी बढ़ता चला जाएगा, यानी बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव का असर NAV पर पड़ेगा। ऐसे ही अगर मार्केट गिरता है तो आपको घबराना नहीं है। आमतौर पर ये माना जाता है कि SIP आपको 12-15% का रिटर्न देती है, तो ऐसे ही अगर हर साल ये बढ़ता ही जाएगा और उस पर रिटर्न भी बढ़ता चला जाएगा, जिसे चक्रवृद्धि ब्याज या पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 1,000 रुपए प्रति महीना इन्वेस्ट किया और इस पर आपको 15% रिटर्न मिल रही है, तो आपको मिलेंगे एक साल पर 12,000 रुपए के निवेश पर 13,021 रुपए, 2 साल के बाद 24,000 रुपए बन जाएंगे 28,135 रुपए, और अगर आपने अपनी रकम 3 साल बाद निकाली तो मिलेंगे 45,679 रुपए। हालांकि मार्केट के उछाल और गिरावट से आपके रिटर्न पर भी असर पड़ेगा, यानी मार्केट गिरा तो नुकसान और चढ़ा तो मुनाफा। SIP का ऑप्शन इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि आप संयमित होकर इन्वेस्ट करती हैं, यानी आपको पता है कि आपको ये रकम निवेश करनी ही है, तो आप उस हिसाब से अपना बजट बनाने लगेंगी। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का मन बना रही हैं तो SIP के बारे में सोच सकती हैं। वैसे बचत करने में तो आप माहिर हैं ही। तो इसी तरह हमारे वीडियोस को पसंद करते रहिए और अपनी राय जरूर दीजिए। आपको किसी और विषय में कोई और जानकारी चाहिए तो आप ये अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकती हैं। शुक्रिया।